मूसा वाले ने ऐसी कौन सी गलती की थी, ऐसा क्या किया था कि बन गए इतने दुश्मन। जीवन की वो गलती जो आप मत करना। कैसे बन गए थे मूसा वाले के इतने दुश्मन। ऐसे ही कोई एक इंजीनियर से इतना बड़ा सुपरस्टार नहीं बन जाता। ऐसे ही किसी के जाने के बाद लोगों की आंखें गमगीन नहीं होती, मगर जाते जाते मूसा वाले ने वो समझा दिया, बता दिया कि ऐसी गलतियां जो उन्होंने की भूल कर भी मत करना। क्योंकि अगर हुई आपसे भी ऐसी भूल तो आप भी मौत के घाट उतारे जा सकते हैं। क्योंकि कुछ ऐसा ही हुआ शुभदीप से, मूसा वाले बने पंजाब के इस नौजवान सिंगर के साथ। आज मूसा वाला हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें और गाने उनके चाहने वाले कभी नहीं भुला पाएंगे। कहते हैं मूसा वाले को शोहरत के साथ विवाद भी मिलते गए। मशहूर होने की लत ने मानो इस संगीतकार की रूहानी जिंदगी को विवादों की दुनिया में धकेल दिया। कभी खालिस्तान का समर्थन तो कभी सिखों का अपमान। देखते ही देखते इतने विवाद जुड़ गए कि इनकी जिंदगी का रुख ही बदल गया। अब आपको बताते हैं आखिरकार क्या थी मूसा वाले की पूरी कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से 29 साल पहले, पंजाब के मनसा जिले से, जहां 11 जून 1993 को एक बच्चे ने जन्म लिया। मानो पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। फिर क्या था, माँ बाप ने सपने देखना भी शुरू कर दिए। सपना वो जो हर माँ बाप देखता है कि बड़े होकर संतान उनके परिवार का नाम रोशन करेगी। पिता भोला सिंह आर्मी में थे और माता सरपंच थी, तो आर्थिक तंगी का कोई सवाल ही नहीं था। बचपन से शुभदीप सिंगर बनना चाहता था, लेकिन घर वाले उसके हुनर को नजरअंदाज करते रहे। लेकिन कहते हैं ना कि बादल सूरज को कितना भी धकेल दे, लेकिन एक ना एक दिन सूरज निकलता ही है। इसी कहावत को मूसा वाले ने सच साबित करके दिखाया। एक दिन जब शुभदीप को स्कूल में गाने के लिए बुलाया गया, तो उन्होंने ऐसा समा बांध दिया मानो कामयाबी उन्हें चीख चीख कर पुकार रही थी। लेकिन सफर इतना आसान नहीं था, संघर्ष आगे इंतजार कर रहा था। कहने वाले कहते हैं शुभदीप ने आगे के रास्तों की गर्माहट को पहले से ही भाप लिया था, इसलिए उन्होंने पढ़ाई का ही रास्ता चुना, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। लेकिन दिल के अंदर सपनों की आग धधक रही थी, जहाँ चाहा वहाँ रहा। ऐसा ही कुछ कर दिखाया मूसा वाले ने। उन्होंने ठान लिया कि अब तो सिंगर बन के ही रहूंगा। इसी कड़ी में उन्होंने लुधियाना के हरबिंदर बिट्टू से गाना सीखा। फिर धीरे धीरे उनका ये संघर्ष भरा सफर सुनहरी मंजिलों की तरफ बढ़ता चला गया। गाना लिखना शुरू किया, पहला गाना लाइसेंस लिखा, जिसके बाद लोग उन्हें राइटर समझने लगे। किसी को नहीं पता था ये लड़का सिंगिंग की दुनिया में अपना सिक्का चलाने वाला है। शुभदीप ने अपना पहला गाना जी वैगन निकाला, लेकिन कोई खास सफलता नहीं मिली। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अगला गाना 2017 में लॉन्च किया। गाना था सो हाई, जिसने तो मानो धूम मचा दी। यहीं से शुभदीप से सिंगर मूसा वाला बनने की कहानी शुरू होती है। लेकिन समय ने ऐसी करवट ली मानो मूसा वाले और विवादों का एक गहरा नाता जुड़ गया। अब शुरू होती है असली कहानी जो आपको जाननी चाहिए। विवादों की शुरुआत होती है 2020 से, जब उन्होंने पंच गोलियां गाना रिलीज किया, तो मानो लोगों ने विरोध के सुर उगलना शुरू कर दिया। उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद से तो मूसा वाले ने अपने गानों में गन कल्चर को ही धकेल दिया और अपनी प्रसिद्धि का हथियार बना डाला। यही थी शुभदीप यानी कि मूसा वाले की सबसे बड़ी गलती। जब कोई स्टार बन जाता है तो उसे समाज का दर्पण माना जाता है। यहीं से इनकी छवि खराब होने लगी। खबरें ये भी आई कि जब विक्रमजीत सिंह उर्फ मिड्डू खेड़ा का मर्डर हुआ, तो उनके आरोपियों को मूसा वाले ने ही शरण दी। वो शायद मूसा वाले की ऐसी गलती थी कि गैंगस्टर्स की नजर में वो आना शुरू हो गए और उन्हें धमकियां मिलना शुरू हो गई। मूसा वाले को इन धमकियों में लोकप्रियता की सीढ़ी दिखाई दी और अपने गाने में खालिस्तानी आतंकी भिंडरा वाले के समर्थन में एक से एक गाना बनाने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बहुत से मशहूर गाने एस्कोप गेट में पंजाबियों को गद्दार बता डाला। यही कारण है कि शायद पंजाब में डीजीपी ने इस हत्या के बाद इस मामले को गैंग वॉर का दर्जा दे डाला। हालांकि बाद में अपनी बात से वो पलट गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।